या ले भाई लोगों, मैं हूँ होटल। होटल से मैंने एक कोरल आइलैंड के लिए एक टूर बुक, ठीक है। अगर आप खुद से करना चाहते हो तो वो भी जा सकते हो, वो भी बताऊँगा। फिलहाल मेरी कैब आ गई है, ठीक है। तो ये मैनेजर होटल की, इसने अरेंज किया है भाई, और ये कैब है, तो भी चलते हैं, ठीक है। तो भाई लोगों, गाड़ी से उतर गए हैं और वो जो लेडी है वो लेके जाएगी हमें, उसको फॉलो करना है और आके दिखाते हैं। वो सामने ऊपर है पटाया सिटी, ये अपना ग्रुप है। तो भाई लोग, इन्होंने हाथ में धागा सा बांधा है, प्रगी ग्रुप पहचान का है, और अभी आधा घंटा लगेगा, बोल रहे हैं आधा घंटे में बोट आएगी, उसके बाद जा पाएंगे। हम जा रहे हैं स्पीड बोट से, ठीक है। और आप लोग आ रहे हो डायरेक्टली तो आप, यहाँ पटाया सिटी है जहाँ लिखा हुआ है, वहाँ पे आ जाओ। और ऐसे नहीं होता तो वर्किंग स्ट्रीट पे, ओके, डोंट गो समवेयर आफ्टर आई टेल यू, ओके, हियर ओनली। सो अगर आप खुद से आना चाहते हो तो वर्किंग स्ट्रीट के लास्ट में आ जाना, लास्ट में आके ये आपको जगह मिलेगी जहाँ लिखा है पटाया सिटी। जो पटाया सिटी लिखा है वहाँ पे आ जाना, यहाँ से सीधा जो है वो फेरी जाती है, तो पीछे फेरी जाती है, 30 रुपये लेती है बस, वहाँ आपको पहुँचा देगी, ठीक है। वहाँ जाने के बाद आपको जो टेबल है वहाँ पे आपको 100 रुपये बैठने के देने, 100 रुपये के बाद बैठने के देने पड़ते हैं, तो भी टोटल मिला के 30, 30, 60 और 160 हो गए, प्लस कुछ खाओ मोती हो गए, तो कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगी, ठीक है। तो इससे अच्छा है कि मैंने तो होटल से ही कर लिया था 300 रुपये में, 300 बाट में। तो ये स्पीड बोट से लेके जाएंगे, ठीक है, वो आप उससे लोकल फेरी से आओगे, दोनों ही का अपना अलग एक्सपीरियंस है। तो अगर आप आगे जाना चाहते हो तो जा सकते हो खुद से, नहीं तो फिर जो होटल से बुक करोगे वो ज़्यादा, मेरे को भी ज़्यादा वैसे भी, वो लंच वगैरह सब देंगे। तो अभी वेट करते हैं, फिर निकलते हैं, देखते हैं, ठीक है, आगे कैसा है आइलैंड। इधर बोट पर आने से पहले सब लोगों की फ़ोटो खींची आ रही है, ठीक है, देखोगे। यही अपना ग्रुप है ना, फोटो खींच रहे हैं दिल्ली से, तो वहाँ सारे लोग फोटो खींच रहे हैं, ठीक है, 1x1 सबका, इसलिए नंबर लगा के। और फेरी पे जाने से पहले, फेरी है आई थिंक स्पीड बोट है, तो देख रही होगी स्पीड बोट, हम लोग उधर से जाने वाले हैं, ठीक है। इतने लोग साथ में, साथ में फ़ोटो खिंचा रहे हैं, जिस जिस होटल से आए या फैमिली है, अलग अलग है वो अलग खिंचाएगा, मेरा भी खींचेंगे शायद लोग। तो एक फ़ोटो खिंच गई है, अभी हम लोग आई थिंक ये वाली बोट है, कौन सी बोट है वो देखते हैं जल्दी से। नहीं, वो वाली बोट नहीं थी, अभी बोट है ये, स्पीड बोट है। और ये लाइन लग गई, अभी सब लोग 1x1 जाएंगे, आई थिंक ये 10 से 15 मिनट लेगी, क्योंकि पास में आइलैंड बता रहे हैं। और जो फेरी वाली उधर वो 30 बात लेती है बस, स्पीड बोट थोड़ा महंगा पड़ेगा, तो उससे जा सकते हो, वो बहुत अच्छा है, बहुत इन्जॉय करोगे। बस जाना है सीधा वहीं पे, जाके टिकट मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो भाई लोगों, हम निकल गए हैं, लाइफ जैकेट ऐसे ही पहनी हुई है, ठीक है। ये बोट है अपनी, हेलो, all your belonging with you on the time, don't leave anything on this boat, okay? Samalelo and Ajao. Samalelo nikal gaya. Belonging with you on the time, na kap, please taking your belonging. Bus stop aa gaya bhai, samal leke nikal rahe hain. To bhai, ye bus stop hai, ye boat hai. Hello. भाई बुला रही, मुझे लगा ऊपर से जा रहा था, चढ़ने लगे बोला ना कीप से। किसी को चलाने की जरूरत नहीं है, अगर यहाँ आओगे यहाँ सब मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे 20 मिनट की और जर्नी है जो आपको आइलैंड लेकर जाएगी। आइलैंड पर जाओगे, आइलैंड का मेरा स्टाफ आपके साथ रहेगा, वो आपको बताएंगे कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे स्विमिंग करनी है। मजा आएगा।
टू भाई लोगों को जिन्होंने एक्टिविटी की प्राइस बता दी है। ओके, जो पैरेंट सेलिंग है वो 800 बात की है, 850-850 बात की थी, ठीक है। और जो अंडर वाटर जो एक्टिविटी है वो 1500 बात की है, और 500 बात की जेट की बनाना राइट्स है। अगर एक साथ लोगे तो 2500 बात की पड़ेगी, अदरवाइज एक एक करके भी कर सकते हो, ठीक है। अभी मैं तो नहीं करने वाला हूँ, मैंने की हुई है, बस मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो भाई लोगों लाइन देख रहे हो कितनी लंबी लाइन है पैरा सेलिंग के लिए, और कैसे होती है दिखाते हैं। तो ये हो रही है पैरा सेलिंग, ठीक है। बस आते हैं, भानते हैं और ऊपर भेज देते हैं भाई। और किसी को अगर डिप करना है नीचे तो उसको बोलना पड़ता है, बोलोगे तभी जाके वो कराएगा, नहीं तो ले आएगा, ठीक है। अब आपको एक स्पेशल दिखाते हैं कि उड़ा और कितनी देर में वो बताएगा। अभी लड़के उड़ ये गई, अब तो पूरा दिखाते कैसे आते हैं। जबरदस्त इसको खींच के उतारा, पता नहीं कहाँ जा रही थी। तो ये एक्टिविटी पूरा इधर उधर से घुमा के लाएंगे और ऐसे लेके ज़्यादा 3-4-5 मिनट की होगी बस। तो भाई लोग अभी फर्स्ट पॉइंट खत्म होने वाला है और अभी चलने वाले थोड़ी देर में सेकंड पॉइंट पे, ठीक है। देखते हैं सेकंड पॉइंट बीच है या कहीं और ले जाएंगे, मुझे लग रहा है बीच पे ही होगा क्योंकि बोटिंग वगैरह सब वहीं होती है। तो अभी हमारी बोट नहीं आई है, 5 मिनट में बोट आ जाएगी, देन उसके बाद चलेंगे। तो भाई अब लोग निकल गए, पहन लिया है हमने, ठीक है। यहाँ पे सी वॉक करते हैं, तो उनके अंदर वॉक करना है। तो यहाँ से जा सकते हो, 1500 बात लगेंगे, ठीक है। मैं नहीं जा रहा हूँ, तो हम यहीं स्टे करेंगे। तो हम लोग यहीं स्टे करेंगे, पीछे वॉक का है, अगर आप चाहो तो कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा हूँ। भाई जिन लोगों को सी वॉक करना था वो लोग उधर थे यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे, हम लोग जा रहे हैं अपना ईद के पास, क्योंकि हम लोग ज़्यादा इन्जॉय कर पाएंगे फिर बच्चे के लिए, ये लोग वॉक करेंगे उसमें टाइम लगेगा, तब तक हम लोग आके वापस चल वो भी चल रहे हैं, वो चल रही है। तो भाई लोग उतर गए उधर से, वो लोग उतर ही नहीं रहे, उनको बहुत डर लग रहा है तो करने में, पता नहीं बाद में ही दोए। बहुत ही अच्छा लैंड है भाई, चलो थोड़ा सा घुमाते हैं तुम्हें। तो भाई जो वो गार्ड जो है उसको फॉलो करना है अभी। बनाना राइड और एक जेट की वगैरह भी कर सकते हो, ठीक है। 500 बाट में होगा।
तो भाई लोगों जिधर वो उतारेगा उधर ही मत रह जाना, और भी बहुत सारी जगह है यहाँ पे। देखो अगर थोड़ा सा आगे चलोगे तो बहुत अच्छा है। अगर तुम योर से आ रहे हो तो वेरी गुड, अगर खुद से आ रहे हो तो। नहीं आ रहे हो तो लोग सीधा पीछे उतारेंगे, उसके बाद फिर तुम्हें वहीं इंजॉय करने के लिए बोलेंगे। एक डेढ़ घंटे देंगे तो तुम इंजॉय कर सकते हो, उसके बाद तो उसे एक डेढ़ घंटे में तुम इधर आ सकते हो। देखो बहुत अच्छी जगह है। तो भाई फाइनली यहाँ पहुँच गए हैं, देखो ये क्या मस्त नज़ारा है। स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं ये लोग, तुम भी कर सकते हो आगे, ठीक है। ये लोग यहाँ ड्रोन के मज़े ले रहे हैं भाई। मैं अपना वाला घर छोड़ के आया, कि पता नहीं यार रिस्की होता है नहीं होता, परमिशन लेनी पड़ती है ना उसके लिए, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। बट ठीक है, जो यहाँ का है वो तो करेगा ही। बहुत सही जगह है भाई आने का, अगर आना है तो यहाँ आओ, पूरा दिन स्पेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है। अपना 30 बार देख के आओ, अपना यहाँ पे एक टेबल बुक करो, आराम से इंजॉय करो। जो लेना है 7-Eleven से लो, गर्म करो खाओ, और इधर स्नैक्स वगैरह जो भी है। तो भाई लोगों अभी चलते हैं वापस, ठीक है, जहाँ से आए थे। अभी हम चल दिए ये आया, फाइनली पहुंच गए हैं यहाँ। जो पीछे पता है सिटी है वहाँ पे, तो अब यहाँ से हम गाड़ी से जाएंगे होटल तक। ये है H2O होटल, और अभी कॉइन मिल गया हमें, अब चलते हैं देखते हैं क्या क्या है इसमें। यहाँ से टोकन दिया है, ये टेबल्स हैं, अब बूफे लगा हुआ है, बूफे वो रायता है, वो सैलेड है, रोटी दाल दही पकौड़े, वो चिकन है। तो इन लोगों ने मोस्टली इंडियंस के हिसाब से लगा रखा है, ठीक है। अभी लेते हैं और खाते हैं, और इसके बाद ये लोग हमें होटल तक छोड़ेंगे। तो यही हुआ ट्रिप का लास्ट थीम, ठीक है।